नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना महनाजपुर क्षेत्र में अपने पड़ोस में रहने वाले अधेड़ की गोली मारकर हत्या का प्रयास करने वाला बदमाश 12 घंटे के अंदर बुधवार को सुबह पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद गिरफ्तार किया गया। उसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस, एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। मंगलवार शाम को ओमकार बनवासी पुत्र रामनाथ बनवासी, उम्र करीब 48 वर्ष, को उसके पड़ोसी श्याम सुंदर बनवासी पुत्र सुभाष बनवासी ने पुरानी रंजिश को लेकर सीने में देसी तमंचा रखकर फायर कर दिया। ओमकार को सीएससी महनाजपुर ले जाया गया, जिन्हें डॉक्टर द्वारा बीएचयू वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया, जिनकी इलाज चल रहा है। वहीं सुबह पुलिस ने मुखबिर से सूचना मिली कि ओमकार बनवासी गोली मारने वाला बदमाश श्याम सुंदर बनवासी पुत्र सुभाष बनवासी निवासी सिधौना थाना महनाजपुर मोबाइल, पैसा व अपने कपड़े लेने के लिए अपने घर गाँव सिधौना मानिकपुर रोड से होकर जाने वाला है। पुलिस मौके पर जैसे ही घेराबंदी की, तभी बदमाश थानाध्यक्ष महनाजपुर को लक्ष्य बनाकर जान मारने की नीयत से फायरिंग करने लगा। पुलिस बल द्वारा नियंत्रित फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसे हिरासत में लेकर उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महनाजपुर ले जाया गया। बदमाश की पहचान सुंदर बनवासी पुत्र सुभाष बनवासी निवासी सिधौना थाना क्षेत्र महनाजपुर, उम्र 25 वर्ष के रूप में हुई, जिसके पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, 315 बोर, एक एंड्रॉइड फोन बरामद किया गया। घायल बदमाश सुंदर बनवासी ने बताया कि उसकी ओमकार बनवासी से पुरानी रंजिश है। सुंदर बनवासी की पत्नी व बहन के प्रति ओमकार गलत नियत रखता है। सुंदर बनवासी उससे पूछने के लिए उसकी मड़े में गया था, तभी ओमकार बनवासी गाली देने लगा तथा सुंदर बनवासी ने उसके ऊपर तमंचे से फायरिंग कर दिया तथा वहां से भागकर उचहुआ जौनपुर चला गया। बदमाश अपने पिता के पास मुंबई जाने के लिए पैसा व कपड़ा लेने के लिए घर पर जा रहा था। आइए सुनते हैं मामले में एसपी ने क्या जाना। देखिए, थाना महनाजपुर में एक ओमकार बनवासी नाम के जो व्यक्ति को, उसी के साथ में रहने वाले एक श्याम सुंदर बनवासी के द्वारा कल शाम में 315 बोर के तमंचे से गोली मार दी गई थी, जिसको तत्काल उनको जिला अस्पताल में लाया गया और उसके बाद में उनको प्राथमिक चिकित्सा उपचार के बाद में उनको बनारस रेफर कर दिया गया है। अभी उनकी हालत स्थिर है और इसमें जिस व्यक्ति के द्वारा गोली मारी गई थी उसके बारे में जानकारी मिली थी। हमारी टीम इसमें लगातार काम कर रही थी और सुबह करीब 5 बजे के आसपास में श्याम चंद्र बनवासी है, उनको पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है और इस दौरान उनको पैर में गोली भी लगी है और उनके पास से 315 बोर का जो तमंचा वो भी बरामद हुआ है। और ये जानकारी प्राप्त हुई है कि इनका एक तो कुछ गांजा पीने को लेकर विवाद था और भी कोई चीज़ों की जानकारी मिली है कि इनका ये कहना था कि जो श्याम सुंदर जो बनवासी है उनकी जो पत्नी है वो यहाँ रहती है और ये श्याम सुंदर मुंबई में रहते थे, तो इनको ये आशंका थी कि इनके साथ में जो ओमकार बनवासी है उसके साथ में अवैध संबंध है, इसको लेकर भी इनमें आपस में बातचीत हुई थी और इसी दौरान ये घटना हुई थी। इसमें अभी इनको जो श्याम सुंदर बनवासी है उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद में इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। उसकी हालत कैसी है? उसकी हालत स्थिर है। अभी उसको 315 बोर के जो उससे तमंचे से गोली मारी गई थी, जिससे उसको चेस्ट में उसको गोली लगी है, लेकिन अभी वो उसकी हालत स्थिर है और डॉक्टरों ने खतरे से बाहर बताया है। उनको बनारस में एडमिट कराया गया बीएचयू। Thank you.
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।